हमें हमेशा परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए उसे पुकारना है, हे प्रभु तू मेरे मन मंदिर में आ जा, क्योंकि यहां मेरा कोई नहीं, तू मेरा और मैं तेरा हूं। मुझे तेरे वचन की प्यास लगी है, क्योंकि तेरा वचन आत्मा, जीवन और आशा है। मेरी ये प्यास बुझा दो। जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना सुनता है। इस संसार में शांति नहीं है, सारा संसार शांति की खोज में लगा है। सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करते और दुश्मनी खत्म नहीं होती। इसलिए हमें यीशु की शिक्षा को अपनाना चाहिए, जो सिखाती है कि अपनों को तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन तुम अपने दुश्मन से प्यार करो, अपने दुश्मन को माफ करो। जो तुम्हारे जीवन में कांटे बिछाते हैं उनका दामन तुम फूलों से भर दो। यीशु मसीह ने अपने जीवन से हम सबको यही सिखाया है।
में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू निराला, यीशु तू निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर, क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में।